हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स हेल्प यू। मैं हूं सौम्य रंजन नायक। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, चाहे आपका पास इंटरनेट हो या ना हो, आपको कैसे आपका मोबाइल से आपका विंडोज लैपटॉप को आपको फाइल कैसे इजीली ट्रांसफ़र करना है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को डिटेल बताऊंगा। तो अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो मेथड बताऊंगा विंडोज लैपटॉप और मोबाइल के बीच में फाइल ट्रांसफर करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर का जरूरत है। तो उस सॉफ्टवेयर को आपको क्या आपका मोबाइल में डाउनलोड करना है, आपका लैपटॉप में आपको कुछ डाउनलोड करना नहीं है। तो चलिए सीधा हम लोग चलते हैं आपका मोबाइल को, मोबाइल में हम लोग पहले उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ही सारे सेटिंग बताने के बाद मैं आपको बताऊँगा फाइल कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो ये देखिए मैं मेरा मोबाइल अभी खोल लिया हूँ। मोबाइल खोलने के बाद देखिए ये यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर में डाउनलोड किया हूँ, वाईफाई एफटीपी सर्वर। ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिलता है, आप चाहो तो उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो या पेड वर्जन में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए नहीं हो तो आपका प्ले स्टोर खोल लीजिए। प्ले स्टोर खोलने के बाद यहाँ पे सर्च कर लीजिए वाईफाई एफटीपी सर्वर। यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन आ रहा है मेधा ऐप्स का, एक है वाईफाई एफटीपी सर्वर, नीचे लिखा है मेधा ऐप्स, वो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड किए नहीं तो उसको डाउनलोड फटाफट कर लीजिए। इस ऐप का साइज 3 से 4 MB के अंदर में है तो आपको ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है, आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग उसको डाउनलोड कर लिए हो तो आपका प्ले स्टोर बंद कर दीजिए। अभी चलिए उस एप्लीकेशन को खोलते हैं, वहाँ पे मैं आपको कुछ सेटिंग बता दूंगा, उसके बाद हम लोग फाइल ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए पहले उस ऐप को खोल लेते हैं। देखिए उस ऐप को अभी मैं खोल दिया हूँ। ऐप को खोलने के बाद यहाँ आपको ऐसे ही इंटरफेस मिलेगा, वाईफाई स्टेटस एनेबल्ड। अभी क्या मेरा वाईफाई में कनेक्टेड है तो आईपी एड्रेस आपको मिल जा रहा है, नेटवर्क एक्सेस आईडी आपको यहाँ पे अननोन दिखा रहा है। तो अगर आप लोग उसका सेटिंग में जाओगे, आपको मैं कुछ सेटिंग बता देती हूँ। अगर आप लोग राइट साइड ऊपर में आपका सेटिंग है, सेटिंग अगर आप लोग जाते हो तो आपको पहला चीज मिलता है पोर्ट नंबर। ये पोर्ट नंबर आपका डिफॉल्ट आता है, आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आता है एनोनिमस एक्सेस। अगर आप उस एनोनिमस एक्सेस को टिक मारते हो तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड को कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एफटीपी सर्वर का एड्रेस डाल दीजिए और आपको डायरेक्ट वो कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग एनोनिमस एक्सेस को बंद करते हो तो इसके लिए आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा, जो कि यहाँ पे सेट है ऑलरेडी, एंड्रॉइड है। अगर आप लोग चाहते हो कि उस यूजर आईडी एंड पासवर्ड को चेंज करने के लिए, उसको भी आप लोग चेंज कर सकते हो। नीचे आइए, नीचे देखिए एक रूट फोल्डर है। रूट फोल्डर में अगर आप लोग का पास सिर्फ इंटरनल मेमोरी है, अगर आप लोग कुछ कोई एक्सटर्नल मेमोरी ऐड नहीं किए हो तो आपका रूट फोल्डर आपका इंटरनल मेमोरी ही रहेगा। अगर आप लोग का पास इंटरनल मेमोरी भी है और एसडी कार्ड भी है, दोनों है, तो उस कंडीशन में अगर आप जिसको चाहते हो तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको रूट फोल्डर खोलिए। रूट फोल्डर खोलने के बाद लेफ्ट साइड ऊपर में देखिए 3 बार आता है, उस बार को क्लिक करोगे तो आपको आता है इंटरनल और एसडी कार्ड। आपको जिसको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यूज दिस फोल्डर कर दीजिए। अगर आप लोग आपका एसडी कार्ड को सिलेक्ट करके यूज दिस फोल्डर करते हैं तो आपका एसडी कार्ड का जितना कंटेंट है वो आपको दिखाएगा। अगर आप लोग इंटरनल मेमोरी को सिलेक्ट करते हैं तो आपका इंटरनल मेमोरी में जितना डाटा है आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो। नीचे देखिए रीड ओनली मोड। अगर आप लोग रीड ओनली मोड को टिक मारते हो तो अगर आप लोग जिस टाइम उसको एक्सेस करोगे उस टाइम आप सिर्फ कॉपी पेस्ट सारे चीज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई भी फाइल डिलीट करने के लिए या रीनेम करने के लिए, ये चीज़ें आप लोग नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कोई भी फाइल डिलीट या रीनेम करने के लिए तो आपको रीड ओनली मोड को ऑन टिक मारना है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग फाइल ट्रांसफर करके देखते हैं ये फाइल कैसे ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों अभी मैं पहला मेथड आपको बताऊंगा जिसमें आपको इंटरनेट की जरूरत होगा। इंटरनेट के थ्रू आप लोगों लैपटॉप और मोबाइल के बीच में आपको कैसे फाइल ट्रांसफर करना है, इस मेथड में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए उस फर्स्ट मेथड को हम लोग अभी ट्राई करते हैं। इस मेथड में आपको क्या करना है ना, आपको मोबाइल और आपका लैपटॉप को दोनों को सेम नेटवर्क में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मेरा मोबाइल को अभी मेरा वाईफाई में कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे है एयरटेल 2.595G। यहाँ पे भी सेम टाइम में भी मेरा लैपटॉप में कनेक्ट किया हूँ सेम वाईफाई को, एयरटेल 2.595G। तो इस मेथड में आपका जो दोनों मोबाइल हो गए लैपटॉप हो गए दोनों को आपको सेम नेटवर्क में आपको रखना है, तभी आप इजीली फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए अभी दोनों डिवाइस हमारा सेम नेटवर्क में अभी आ गया है। तो अभी दोनों डिवाइस को सेम इंटरनेट में कनेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, वाईफाई आईपी सर्वर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। देखिए अभी मैं उसको स्टार्ट कर दिया हूँ। स्टार्ट करने के बाद नीचे देखिए क्या आ रहा है, आपको सर्वर यूआरएल, यूजर आईडी, पासवर्ड, एनोनिमस एक्सेस, रूट फोल्डर। तो सर्वर यूआरएल ये जो एड्रेस दिया है, इसी एड्रेस को हम लोग हमारा लैपटॉप में डाल के उससे हमारा जो मोबाइल का जो कंटेंट है इसको हम लोग एक्सेस करेंगे। जो यूजर आईडी पासवर्ड दिया है, अगर आप लोग को एनोनिमस यूजर को टिक मारे हो तभी आप लोग को एंड्रॉइड जो यूजर आईडी पासवर्ड का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को एनोनिमस यूजर को टिक नहीं मारे हो तो आपको इस यूजर आईडी और पासवर्ड का जरूरत होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका एनोनिमस यूजर एनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। यहाँ पे मेरा एनोनिमस एक्सेस एनेबल्ड है। तो चलिए अभी हम लोग लैपटॉप खोल लेते फटाफट। तो देखिए अभी मैं मेरा लैपटॉप खोल लिया हूँ। लैपटॉप खोलने के बाद आपका फाइल एक्सप्लोरर खोल लीजिए।
देखिए यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में टॉप में आपको मिलेगा एड्रेस बार मिलेगा, उस एड्रेस बार में आपको क्या करना है, ये जो सर्वर यूआरएल है उसको आप लोग को वहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद एंटर का ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए अभी एंटर का ऊपर क्लिक करने के बाद ये सारे कंटेंट मेरा जो मोबाइल में है, मेरा जो मोबाइल का इंटरनल मेमोरी में जितना फोल्डर है सारे चीज़ें यहाँ पे, मैं सारे चीज़ें यहाँ पे देख पा रहा हूँ। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जितना सारा फोल्डर है, जितना फाइल है, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक शॉर्टकट क्रिएट कर देंगे, क्योंकि हर बार हम लोग को नहीं तो ऐसे ही एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट क्रिएट कर लेंगे हम। तो आपको क्या करना है, आपका फाइल एक्सप्लोरर खोलना है। फाइल एक्सप्लोरर खोलने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड ए नेटवर्क लोकेशन, तो आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट मारिए, नेक्स्ट बाद उसको सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट मारिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो सर्वर यूआरएल है उस सर्वर यूआरएल को यहाँ पे डाल दीजिए 192.168.1.3.2.222.1। उसके बाद लॉग ऑन एनोनिमसली, क्योंकि हम लोग उसको टिक मारे तो उसको टिक मारिए, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे मैं वाईफाई का थ्रू ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ विथ वाईफाई। आप लोग कुछ भी उसका एड्रेस दे सकते हो, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे। तो विथ वाईफाई मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट मारिए, नेक्स्ट मारने के बाद टिक मारिए उसको, उसके बाद फिनिश के ऊपर क्लिक कीजिए। जब आप फिनिश के ऊपर क्लिक करोगे तब आपका तुरंत आपका फोल्डर खुल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं इजीली उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ सिंगल क्लिक में। यहाँ पे अगर आप लोग जाते हो उसको क्लोज करके दोबारा अगर विथ दी वाईफाई के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका इमीडिएट आपका इंटरनल मेमोरी का जो फोल्डर है उसको खुल जाता है। तो इस तरह से आप लोग कोई भी नाम देकर आप लोग शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप लोग इजीली उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं ना, मैं आपका तो चलिए अभी मैं मेरा लैपटॉप से मेरा मोबाइल करके फाइल ट्रांसफर करता हूँ, उसको देखते हैं कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरा लैपटॉप का फोल्डर अभी मैं खोल लिया हूँ। यहाँ पे एक मूवी में मेरा मोबाइल को अभी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो मूवी का अभी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ये मूवी अभी मेरा मोबाइल को ट्रांसफर हो रहा है। उसी तरह से मैं मेरा एक मोबाइल से एक वीडियो को अभी मेरा लैपटॉप को सेंड कर रहा हूँ। देखिए अभी ये भी ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग आपका मोबाइल से लैपटॉप और लैपटॉप से मोबाइल आप लोग फाइल इजीली ट्रांसफर कर सकते हो विथ इंटरनेट के सहारे। आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो आप यहाँ पे मेरा मोबाइल को ये फाइल भी आ गया और लैपटॉप को भी ये फाइल ट्रांसफर हो गया, दोनों साइड से फाइल ट्रांसफर सक्सेसफुल हो गया। तो चलिए अभी मैं आपको मैं मेथड टू के बारे में बोल रहा हूँ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे ना बिना इंटरनेट का लैपटॉप से मोबाइल और मोबाइल से लैपटॉप को फाइल ट्रांसफर करके देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका मोबाइल और लैपटॉप से दोनों से आपको वाईफाई को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम चलिए मैं फटाफट उसको दोनों साइड से मेरा वाईफाई और मोबाइल इंटरनेट दोनों को मैं डिस्कनेक्ट अभी कर लेता हूँ। तो अभी मेरा लैपटॉप खोल दिया हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा मोबाइल भी यहाँ पे दोनों खोला हुआ है। तो चलिए दोनों से अभी हम लोग नेटवर्क को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा लैपटॉप का अभी मैं नेटवर्क डिस्कनेक्ट कर दिया और मोबाइल का भी वाईफाई एंड मोबाइल नेटवर्क दोनों अभी मैं डिस्कनेक्ट कर लिया। तो आपका इंटरनेट बंद करने के बाद मोबाइल से आपको क्या करना है, आपका हॉटस्पॉट को ऑन करना है आपका मोबाइल से। जो हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद आप देख सकते हो आपका जो वाईफाई एफटीपी एप्लीकेशन है वहाँ पे आप देखो वाईफाई स्टेटस पहले डिसेबल था, अभी एनेबल हो गया और आईपी एड्रेस आपको मिल गया। उसी जो सेम हॉटस्पॉट आप लोग को ऑन किया उसी हॉटस्पॉट आपका लैपटॉप को आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को मेरा लैपटॉप में अभी मेरा जो ओप्पो रेनो 7 5G का जो अभी मैं हॉटस्पॉट ऑन किया था उसको अभी मैं कनेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आप लोग जैसे देख पा रहे हो मैं कोई भी ब्राउजर खोल रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा दोनों साइड से इंटरनेट बंद है। तो अभी आप लोग को क्या करना है, आपका मोबाइल को चलिए आपका मोबाइल में जो वाईफाई एक्टिव सर्वर है उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जो स्टार्ट बटन है स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको सर्वर यूआरएल मिलेगा, उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड एनोनिमस एक्सेस रूट फोल्डर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एफटीपी सर्वर स्टार्ट करने के बाद आपका लैपटॉप को चलिए, ऑलरेडी हम लोग उस सर्वर को कनेक्टेड है। तो अभी आपको क्या करना है, आपका फाइल एक्सप्लोरर खोल लीजिए। फाइल एक्सप्लोरर खोलने के बाद उसका जो एड्रेस बार है उसका एड्रेस बार में ये जो सर्वर यूआरएल है उसको डाल दीजिए। तो अभी देखिए मैं उस एड्रेस को डाल दिया हूँ, उसके बाद एंटर के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा कनेक्ट हो गया है। अब देख सकते हो अभी रिसेंटली जो मूवी हम लोग ट्रांसफर किया था ये हमको यहाँ पे दिखा रहा है। आप लोग देख पा रहे हो ये सारे फाइलें अभी मैं इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो अभी हम लोग एक शॉर्टकट बना लेंगे। तो शॉर्टकट बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो अभी पूरा क्लोज कर दीजिए और आपका फाइल एक्सप्लोरर जाइए। फाइल एक्सप्लोरर को जाने के बाद राइट माउस को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऐड ए नेटवर्क लोकेशन, उसके बाद आपको फोल्डर सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट मारिए। यहाँ पे आप लोग आपका जो सर्वर यूआरएल है उसको टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद लॉग ऑन एज एनोनिमस उसको टिक मारिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो नाम देना है उस नाम को दे दीजिए, जैसे यहाँ पे मैं विदाउट वाईफाई दे रहा हूँ तो उसको देने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद फिनिश के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जिस टाइम आप फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे इमीडिएटली आपका फोल्डर ओपन हो जा रहा है। तो आप लोग बिना इंटरनेट का अभी आप लोग फाइल भी एक्सेस कर पा रहे हो, आप लोग जैसे देख पा रहे होगे। अगर मैं हॉटस्पॉट कनेक्ट करके विथ वाईफाई वाला जो नेटवर्क लोकेशन है उसको अगर मैं एक्सेस करने के लिए ट्राई करता हूँ तो ये मेरे को एरर शो कर रहा है।
तो इसको मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो अभी मैं विदाउट वाईफाई वाला जो नेटवर्क लोकेशन है अभी मैं उसको ऐड किया हूँ, उसको मैं अभी एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो चलिए अभी हम लोग फाइल ट्रांसफ़र करके देखते हैं फाइल कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो फटाफट अभी मैं फाइल ट्रांसफ़र करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए अभी मेरा जो इंटरनल मेमोरी अभी जो रिसेंटली मैं मूवी ट्रांसफ़र किया था उसी को मैं मेरे लैपटॉप को अभी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है इस टाइप से, मेरे लैपटॉप से एक मोबाइल को अभी मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो दोनों बड़ा फाइल है, थोड़ा टाइम ले रहा है, आप लोग जैसे देख पा रहे हो दोनों साइड से मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को दोनों साइड से आपका लैपटॉप से मोबाइल और मोबाइल से लैपटॉप आप लोगों बिना इंटरनेट का भी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये फाइल थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तो उसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को बिना इंटरनेट का भी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते। तो दोस्तों अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आपका जो दोनों अभी हम लोग नेटवर्क फोल्डर ऐड किए हैं, अगर मैं वाईफाई को कनेक्ट कर रहा हूँ तो कौन सा फोल्डर को मैं इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ, अगर मैं वाईफाई में को डिसकनेक्ट करता हूँ या बिना इंटरनेट में कौन सा फोल्डर को मैं इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं आपको ये दोनों अभी डेमो दिखा देता हूँ। तो अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अभी मेरा दोनों डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ ना, दोनों डिवाइस को अभी मैं इंटरनेट में कनेक्शन कर लेता हूँ, मेरे लैपटॉप को भी और मोबाइल को भी अभी मैं वाईफाई में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सर्वर को स्टार्ट कर ले, FTP सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे यूआरएल सर्वर यूआरएल आ गया है, और इसके लिए हम लोग को किए थे विथ वाईफाई वाला एक शॉर्टकट हम लोग को क्रिएट किए थे। तो अभी चलिए उसके ऊपर क्लिक करते तो ये इजीली हमारा ओपन हो रहा है। अगर मैं चाहूँगा तो विदाउट वाईफाई वाला फोल्डर को एक्सेस करने के लिए उस सेम टाइम तो ये फोल्डर मेरा एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आप लोग जब आपका इंटरनेट बंद कर दोगे और आपका मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करके तो उस टाइम आप लोग विदाउट वाईफाई वाला नेटवर्क लोकेशन को एक्सेस कर पाओगे और विथ वाईफाई वाला नेटवर्क लोकेशन आप लोग उस टाइम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप लोग जब आपका वाईफाई को कनेक्ट करना है तो आप कौन सा फोल्डर का एक्सेस कर पाओगे और आपका जो बिना इंटरनेट कनेक्शन आप लोग कौन सा फोल्डर का एक्सेस कर पाओगे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो अगर दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ आपका दोस्तों लोग के साथ शेयर करने के लिए भूलिएगा मत। थैंक यू।